अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल चाल है? डाटा ठीक ठाक। इस वक्त अभी मौजूद हैं निसार रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट बहुत सारे लोग आके खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने सुपरस्टार पाकिस्तान का एक लेजेंड नाम है, बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत नाइस पर्सनैलिटी, जनाब तारिक जैक्सन साहब। और तारिक जैक्सन साहब इतने सी आर ओ ने, यानी कि इतने आए जितने मेहमान ने उन्होंने रिस्पेक्ट देंगे ने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स इतने देंगे ने, और पूरा रेस्टोरेंट के जितने भी मेहमान जितने भी लोग उन्होंने बेहतरीन किस्म की इंटरटेन देंगे ने। तो मैं चाहवागा कि तारिक महमूद साहब ना, तारिक जैक्सन साहब ना गलबात की जाए, ताकि वह सानू इस रेस्टोरेंट बारे दसन और सानू इधर विजिट करवा। जी तारिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब जी? अल्लाह का आवाज आवाजा मारिया बुलाया कई बार वे किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। तो अज असी तक तो पहले खुश आमदीद कहने, बड़ी मेहरबानी पेशावर दे इस खास रेस्टोरेंट विच पेशावरी खाने पंजाब दे विच लैके आए ने। तो ये वह खाने ने जड़े मतलब जैसे दुम्बा कड़ाई और दम पुख्त और जड़ा टिक्का, ये खाना खाने महमूद गजनवी अफगानिस्तान तो खा के ना, ये उस एरिया का, तो वो दिल्ली तक आए सन। अच्छा, बड़ी गल है, बड़ी ताकतवर खाने ने। तो ये जो तो खा के ते जो तो इतने पहुँचे तो दिल्ली तो कब्जा कब्बरे सगी तो कब, ये वो ताकतवर खाने थे। जोड़ा भी चाहता है कि दिल्ली से दिल्ली तक जाइए तो वह पेशावरी खाने जरूर खाए। माशाल्लाह, बड़ी गल है, बहुत अच्छा जी। एंगल देख लो, तुहाडा स्पेशल एंगल है, किसी ने किसी एंकर ने यह जी ऑब्जरवेशन नहीं की कि हुण दुम्बा कड़ाई खा के तो फिर दिल्ली वाली जाना। बड़ी खुशी हुई जनाब तारिक साहब, हुण सानू थोड़े जिहा मियां मुहम्मद बख्श सरकार का कलाम रात पवे बेदर तानू सुख दी नींदर आवे दर्द मंदानू तांग सजन दी सुतियां आन जगाए दर्द मंदानू तांग सजन दी सुतियां आन जगाए एक तू बेली हो सक सब जग बेली अनबेली भी बेली ओ सजना बाजो मोहम्मद बख्शा ओ सुनजी पई हवेली ओ सजना बाजो मोहम्मद बख्शा ओ सुनजी पई हवेली। तारिक जैक्सन साहब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रीम पर्सनैलिटी, बहुत बड़े फनकार ने, वो साढ़े मौजूद ने, बल्कि वह ही विजिट करवा रहे हैं सानू इस निसार रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का। मैं चाहवा कि वो अपना भी फन सानू थोड़ा दस। Thank you.
ਲੰਕਾ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਕਾਮੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੀਲ ਕਰਾਇਆ ਨੀਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ